1983 भारत क्रिकेट में विश्व विजेता बन जाता है। क्रिकेट के प्रति देश में प्रेम अपने चरम पर पहुंच रहा था। ऐसे में 1983 के अक्टूबर महीने में वेस्टइंडीज की वो घायल टीम जो अभी अभी भारत से विश्व कप हारी थी वो भारत आती है। पहला मैच श्रीनगर की उन सुंदर वादियों में खेला जाता है और जैसा कि आशा थी स्टेडियम खचाखच भर जाता है। भारत और वेस्टइंडीज की टीम्स मैदान में उतरती हैं, परंतु ये क्या भारत वेस्टइंडीज के इस मैच में पूरे स्टेडियम में पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे होते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, जिया उल हक जिंदाबाद के नारों से पूरी घाटी गूंज उठती है। भारतीय प्लेयर्स को गालियां दी जा रही थी, उन्हें ह्यूमिलिएट किया जा रहा था। वेस्टइंडीज की जगह भारत को ऐसा लगता है कि वो किसी दूसरे देश में खेलने आए हैं। केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में कहा कि जो कश्मीर फाइल्स में दिखा गया वो झूठ है और इस बयान के बाद पूरी विधानसभा में ठहाके लग रहे थे। ये पोस्टर भी नहीं लगवाएंगे झूठी फिल्मों के। यदि वो झूठ है तो फिर सच क्या है? कश्मीर एक ऐसी कहानी जिसका सच इतना विचित्र है कि वो झूठी लगता है। कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1995 में 5 वर्ष की जांच पड़ताल करने के उपरांत हमें इस चीज के बारे में बताया था कि कश्मीरी पंडित स्वयं अपनी इच्छा से कश्मीर छोड़कर चले गए। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने कहा, ये चिट्ठी में लिखा है कि 1990 में कश्मीरी पंडित खुद की मर्जी से कश्मीर छोड़कर गए थे। हमें बताया गया कि वीपी सिंह की भाजपा समर्थित केंद्र सरकार ने एक संघी जगमोहन को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया और उसने सभी कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से बाहर निकाल दिया, जिसे जगमोहन थियरी का नाम दिया गया। हमें ये बताया गया कि कश्मीरी पंडित बड़े समृद्ध थे, उन्हीं के पास सारे सरकारी जॉब्स थी, सारे संसाधन थे। Today, hapless victims, they were once the privileged elite of the valley. They may have been a minority, but at that time they had monopolized government jobs, plum postings and other such social benefits. In fact, the sharp economic disparity between the pundits and the poor Muslim majority was one of the earliest reasons for popular discontent in the state. परंतु क्या जो हमें बताया गया वो सच है या जो हमसे छुपाया गया वो सच है? क्या है सच, जानेंगे आज की इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। मार्च 2022 द कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई। फिल्म एक रोरिंग सक्सेस बन चुकी थी, परंतु देश विदेश की प्रोपेगेंडा मशीन्स इस फिल्म को ही प्रोपेगेंडा प्रूव करने में लग गई थी। बीबीसी ने इसे एक वीडियो के माध्यम से 2024 का चुनावी स्टंट बताया, जिसे सभी ऑपोजिशन के लीडर्स ने शेयर किया। जो ये फिल्म है, मुझे लगता है ये 2024 का इलेक्शन टर्न है। पाकिस्तान ने हमें उजाड़ा, पाकिस्तान ने मिलिटेंसी की, उस वक्त आम मुसलमान उसमें नहीं था। 1990 में हमारा प्लान हुआ है, उसका जिम्मेदार भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही है। मुझे लगता है कि इस तरीके की यदि पिक्चरें बनेंगे वो एक दूरियां पैदा करेंगे, उधर से भी तो इधर से। बीबीसी की इस वीडियो में शादीलाल पंडिता से बात की गई, परंतु ये नहीं बताया गया कि वो कांग्रेस के एक लोकल लीडर से मदद ले रहा है एक प्रोटेस्ट चलाने के लिए। बीबीसी ने जगती सोसाइटी में वीडियो बनाई, परंतु ये नहीं बताया कि जिस जगती सोसाइटी की वो बात कर रहे हैं उसी जगती सोसाइटी के लोगों ने फिल्म को सपोर्ट करने के लिए एक बाइक यात्रा निकाली और तो और उन लोगों ने फ्री टिकट्स का वितरण भी किया। जब बीबीसी को एक्सपोज किया गया तो भाई बाद में उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। जो बॉलीवुड फिल्म को इग्नोर कर रहा था वो बॉलीवुड अचानक से फिल्म के बारे में बात करने लगा। राम गोपाल वर्मा ने तो यहां तक कह दिया कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड का नाम बदलकर विवेक अग्निहोत्री अवार्ड रख देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने बॉलीवुड को बदल कर रख दिया है। देश का नेता, अभिनेता, आम व्यक्ति सब इसके बारे में बात करने लगे और फिल्म ने एक ऐसी डिबेट खोल दी जो वर्षों से दबी हुई थी। अब प्रश्न पूछे जाने लगे, ऐसे प्रश्न जिनके कोई उत्तर नहीं थे। पूछा गया कि यदि जगमोहन जो थे वो आरएसएस का आदमी था तो उन्हें संजय गांधी का राइट हैंड क्यों कहा जाता था? उसे इंदिरा गांधी ने दिल्ली का गवर्नर क्यों बनाया? क्या ये भी आरएसएस के लोग थे?
क्या वो जगमोहन ही था जिसने अल सफा पत्रिका में बट्टे दफा यानी पंडितों कश्मीर छोड़ो की प्रेस रिलीज दी थी? यदि नहीं तो इसका ये अर्थ नहीं कि कोई और चाहता था पंडित कश्मीर से चले जाएं। क्या वो जगमोहन ही था जिसने रलेव गलेव चलेव के नारे दिए या पंडितों के घर के बाहर हिटलिस्ट लगवा दी या सभी मस्जिदों से एक साथ जगमोहन ने ही नारे लगाए? भाजपा तो मुस्लिम विरोधी है और हिंदुत्व की पार्टी है और आरएसएस भी एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बोली जाती है, तो जगमोहन ने पंडितों से घर क्यों छुड़वाया, मुस्लिम समाज के लोगों से क्यों नहीं? और यदि पंडितों को बचाया गया और मुस्लिम समाज को कश्मीर में मारने का प्लान था जगमोहन का, तो जगमोहन को 3 महीने में ही गवर्नर के पद से क्यों हटा दिया गया? जगमोहन को 18 जनवरी को गवर्नर अपॉइंट किया गया और 19 जनवरी को पंडित वहां से भाग गए। जगमोहन ने इतना बड़ा काम मात्र एक दिन में कैसे कर दिया, या इस एक दिन के पीछे वर्षों का इतिहास है? लोगों को ऐसा लगता है मानो एक दिन आया 19 जनवरी 1990 और अचानक से सब कुछ बदल गया और कश्मीर से हिंदुओं ने पलायन करना शुरू कर दिया, परंतु ये अधिक लोग नहीं जानते कि ये हिंदुओं का 7वां जेनोसाइड या 7वां एग्जोडस था। इसके बाद कश्मीर ऑलमोस्ट हिंदू विहीन हो गया। कश्मीर ने हिंदुओं के 7 एग्जोडस देखे हैं, जिनमें से 3 को तो अभी एक शताब्दी तक नहीं हुई है और 2 तो भारत की स्वतंत्रता के बाद हुए हैं। वर्ष 1389 से 1413 के बीच में सुल्तान सिकंदर शाह या कहें सिकंदर बुतचिकन कश्मीर का सुल्तान बन गया और इसके नाम के पीछे जो बुत शिकल लगा हुआ है उसका अर्थ होता है वो जो बुतों यानी मूर्तियों को ध्वस्त कर दे। सिकंदर ने मुहम्मद हमदान के साथ मिलकर कश्मीर में काफिरों को मारने का, बलात्कार करने का, मंदिरों को तोड़ने का, फोर्सिबल कन्वर्शन कराने का एक आयाम स्थापित कर दिया और यही पर हुआ हिंदुओं का पहला एग्जोडस। सिकंदर बुच्छिकन के बाद कश्मीर में दोबारा मॉडरेट पीरियड वापस आया। टूटे हुए मंदिर फिर से बनाए गए, परंतु ये अधिक वर्षों तक नहीं चला। 1505 में फतेह शाह द्वितीय ने सत्ता संभाली और उसने शमशुद्दीन अराकी के साथ मिलकर उसके इन्फ्लुएंस में आकर हिंदू घृणा से ओतप्रोत हिंदुओं का नरसंहार प्रारंभ कर दिया। यहीं से प्रारंभ हुआ हिंदुओं का दूसरा एग्जोडस। औरंगजेब के गवर्नर इफ्तिखार खान ने कश्मीर में आकर कोहराम मचा दिया और हिंदुओं का वहीं पर तीसरा एग्जोडस हुआ। वहीं चौथा एग्जोडस अफगानिस्तान से आए हुए दुर्रानियों ने 1753 में किया। इन 4 एग्जोडस के बाद कश्मीर की सत्ता वापस सिखों और हिंदुओं के पास लौटती है। 1819 में महाराजा रंजीत सिंह और उनके बाद डोगरा राजा गुलाब सिंह के पास सत्ता आ जाती है। कश्मीरी कल्चर फलता फूलता है, पर यह भी अधिक वर्षों तक नहीं चलता और 1931 में कुछ ऐसा होता है जिससे कश्मीर पूर्णतः बदल जाता है। पिछले 4 जेनोसाइड या एग्जोडस में रूलर ने या उसके सेनापति ने हिंदुओं पर क्रूरता की, परंतु अब राजा खुद एक हिंदू था। अब कौन हिंदुओं और सिखों पर क्रूरता करता? 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में सूफियों ने लोकल मुसलमानों को भड़काना प्रारंभ कर दिया था, उन्हें कुरान में लिखे मैसेज को बताना शुरू कर दिया था। उन्हें बताया जा रहा था कि उनका राजा कोई नॉन बिलीवर नहीं हो सकता। फिर 1930 से शेख अब्दुल्ला कश्मीर की राजनीति और प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगता है। फिर 1931 में अब्दुल कादिर पेशावर से श्रीनगर आता है एक अंग्रेज सिपाही के घर पर कुक बनकर। शेख अब्दुल्ला और अब्दुल कादिर की मीटिंग होती है। शाह हमदान में एक मुसलमानों की सभा को आयोजित किया जाता है जिसमें अब्दुल कादिर एक भयंकर विष उगलने वाली स्पीच दे देता है महाराजा के अगेंस्ट और मुसलमानों को कहता है कि किसी भी काफिर को अपने ऊपर राज मत करने दो, जिसके लिए वो रिलीजियस बुक को भी कोट करता है। इस स्पीच के बाद अब्दुल कादिर को सेडिशन के चार्ज में अरेस्ट कर लिया जाता है, परंतु इससे भीड़ इकट्ठा हो जाती है। केस कोर्ट में जाता है, परंतु भीड़ पथराव शुरू कर देती है। केस को कोर्ट में ना चलाकर जेल में चलाया जाता है और 13 जुलाई को जज जेल के अंदर
सुनवाई के लिए जा रहे होते हैं, परंतु कादिर के समर्थकों का एक बड़ा वर्ग जेल का घेराव कर लेता है और पथराव करता है। आगजनी की जाती है, पुलिस को ऑर्डर दिए जाते हैं कि इन लोगों से डील करें। ब्रिटिश पुलिस गोलियां चला देती है जिसमें 21 कादिर के समर्थक मारे जाते हैं। इस बात का बदला हिंदुओं से लिया जाता है। श्रीनगर से लेकर समूचे कश्मीर में हिंदुओं के साथ रेप, लूट, हत्या कर दी जाती है। हिंदुओं को मारकर झेलम में फेंकना आम बात हो जाती है। मंदिरों, गुरुद्वारों को तोड़ना या मंदिरों के आइडल्स को तोड़ना या गुरु ग्रंथ साहिब को फाड़ना, जलाना आम हो जाता है और ऐसा कई महीनों तक लगातार चलता है। इस पूरे इंसिडेंट पर वेकफील्ड नाम का एक अंग्रेजी अफसर कहता है कि मेरे पास एक भी मुसलमान से कंप्लेंट नहीं आई कि उसे लूट लिया गया है या उसके साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है। यह पूरा इंसिडेंट जो था वो हिंदुओं को टारगेट करते हुए किया गया था। और यहाँ जो बात सबसे अधिक ध्यान देने की है वो ये कि स्वतंत्रता मिलने के बाद इसी दिन को यानी 13 जुलाई को मार्टर्स डे घोषित कर दिया जाता है उन 21 कादिर समर्थकों की याद में कश्मीरी सरकार के द्वारा। हर वर्ष कश्मीरी पंडित अपने साथ हुई क्रूरता को अपने 5वें एक्सोडस को शहीदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के बंटवारे के बाद कश्मीर पर पाकिस्तान ने अटैक कर दिया और कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ मर्जर को स्वीकार कर लिया। मेहर चंद महाजन को कश्मीर का प्रधानमंत्री बनाया गया, परंतु नेहरू चाहते थे कि शेख अब्दुल्ला को ये पोस्ट मिले। महाराजा मान नहीं रहे थे और इसीलिए बाकी सभी रियासतों की तरह कश्मीर के महाराजा से कंप्लीट एक्सेशन पर बात नहीं की गई। नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को वर्चुअल रूप से जम्मू एंड कश्मीर की सभी पावर्स दे दी और 1949 में महाराजा हरि सिंह को बॉम्बे एक्साइल कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला को भारतीय आर्मी की भी पावर्स दे दी गई थी। कश्मीर को पाकिस्तान से छुड़वाने के लिए जो आर्मी भेजी गई थी उसे शेख अब्दुल्ला से ऑर्डर लेने होते थे, परंतु उन ऑर्डर्स के अभाव में भारत को भारी लॉस हुआ। 1950 में जम्मू एंड कश्मीर में इलेक्शंस हुए और पहला इलेक्शन ही रिग्ड था। 75 सीटों पर चुनाव होने थे जिनमें से 73 सीटों पर शेख अब्दुल्ला की पार्टी के अगेंस्ट जो भी खड़ा हुआ उसका नामांकन रद्द कर दिया गया। शेख अब्दुल्ला अनअपोज्ड जीत गए और फिर उसने नेहरू को ब्लैकमेल करना प्रारंभ किया। आर्टिकल 370 जबरदस्ती लगवाया गया जबकि अंबेडकर इसके अगेंस्ट थे। शेख अब्दुल्ला ने आते ही ऐसे डिसीजंस लिए जो हिंदू विरोधी थे। ऑर्डर निकाले गए कि पाकिस्तान से जो भी विस्थापित हिंदू रिफ्यूजी हैं उनको कश्मीर में स्थान नहीं मिलेगा, जबकि तिब्बत के मुसलमानों को कश्मीर ने शरण दे दी। 1931 में विस्थापित कश्मीरी हिंदुओं को वापस कश्मीर में नहीं आने दिया गया। कश्मीर को स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल स्टेटस दे दिया गया और शेख अब्दुल्ला ने नेहरू को प्रॉमिस किया था कि इसके बदले में वो कश्मीरी मुसलमानों को भारत के पक्ष में करेगा, परंतु हुआ उसका बिल्कुल उल्टा। जमाते इस्लामी हिंद ने अपनी एक कश्मीर की पर्टिकुलर ब्रांच जमाते इस्लामी कश्मीर खोल ली, जिसका एक ही नारा था कि निजामे मुस्तफा को स्थापित किया जाएगा। कश्मीर में अब सभी पार्टीज रिलीजियस फीलिंग्स को हवा देती थी और दिल्ली ब्लैकमेल होती रहती थी। 1989-90 में जो जेनोसाइड और एग्जोडस फाइनली हुआ वो 1950 से 1990 तक की पॉलिटिक्स का ही परिणाम था। 1950 से 88 तक धीरे धीरे छुटपुट छुटपुट घटनाएं हो रही थी और थोड़ा थोड़ा हिंदू पलायन हो रहा था, इसीलिए इसे छठा एग्जोडस या फिर बड़े नरसंहार का बिल्डअप कहा जाता है। 1974 में इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का समझौता होता है, जिस शेख अब्दुल्ला को नेहरू ने 53 में जेल में डाल दिया था कश्मीर के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करने के लिए, और 11 वर्षों तक जो व्यक्ति जेल में पड़ा रहा उसी के साथ इंदिरा गांधी ने समझौता कर लिया। समझौता होते के साथ ही शेख अब्दुल्ला चुनाव जीतता है और चीफ मिनिस्टर बन जाता है। सीएम बनने के बाद शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर के लगभग 300 नगरों और गांवों के हिंदू नामों को बदलकर इस्लामिक कर दिया। 1980 में कई स्पीचेस में शेख अब्दुल्ला ने कश्मीरी पंडितों को भारत का मुखबिर बताया। इससे कश्मीर का क्या माहौल रहा होगा आप स्वयं समझ सकते हैं।
1982 में शेख अब्दुल्ला अपने बेटे फारूक अब्दुल्ला को इंग्लैंड से बुलाता है, जो कि उस समय वहाँ डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर रहा होता है। फारूक अब्दुल्ला आता है और उससे नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट की गद्दी सीधे सौंप दी जाती है, कश्मीर का स्वास्थ्य मंत्री घोषित कर दिया जाता है। 1982 में ही शेख अब्दुल्ला एक रिसेटलमेंट बिल लेकर आता है, जिसमें कोई भी पाकिस्तानी या कोई भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर का व्यक्ति जो 1947 से 1952 के बीच पाकिस्तान गया हो, वो वापस कश्मीर आ सकता है, उसका स्वागत किया जाएगा। इस बिल का विरोध होता है और गवर्नर नेहरू इस पर साइन नहीं करते। 1982 में ही शेख अब्दुल्ला की मृत्यु हो जाती है और जिस दिन मृत्यु होती है उसी शाम को फारूक अब्दुल्ला को सीएम पद की शपथ दिलवा दी जाती है। 82 में ही फारूक अब्दुल्ला सेम बिल को कश्मीर के सदनों में पास करवा देते हैं और फिर राज्यपाल के पास भेज देते हैं, परंतु फिर से उस बिल पर साइन नहीं किया जाता और इस बार सेंटर बीच में आ जाती है। फारूक अब्दुल्ला और कांग्रेस के बीच मनमुटाव होने लगता है और 1983 में इंदिरा गांधी स्वयं कश्मीर जाती हैं 1983 में ही होने वाले चुनावों के लिए प्रचार करने, परंतु इंदिरा गांधी की सभाओं में नग्न पुरुष भेज दिए जाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कांग्रेस से हाथ छुड़ाकर अलगाववादी संगठनों से हाथ मिला लेती है। मीरवाइज मौलवी फारूक, जो कि पाकिस्तान परस्त है, एंटी इंडिया है, सेपरेटिस्ट है, वो फारूक अब्दुल्ला को समर्थन करता है। इस काम में अलगाववादियों के साथ मिलकर फारूक ने चुनाव जीता, तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की सोच वहां पर पनप रही होगी। चुनाव जीतते ही अचानक बम धमाके होने शुरू होते हैं। 15 अगस्त की परेड में, इंडियन कॉफी हाउस श्रीनगर में, हाई कोर्ट के जज के घर के बाहर, सिनेमा हॉल में, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बम धमाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। 4 जनवरी 1984 को कांग्रेस के 4 कार्यकर्ताओं को पुलिस की गोलियों के द्वारा ही भून दिया जाता है। भारत और वेस्टइंडीज का एक मैच कश्मीर में खेला जाता है, परंतु स्टेडियम में पाकिस्तान के झंडे, इमरान खान के पोस्टर और भारतीय टीम के लिए गालियों के अलावा कुछ नहीं था। 1983 में जब भारत और वेस्टइंडीज के बीच का मुकाबला बाधित हुआ क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने मैच के दौरान ही पिच का एक हिस्सा खोद दिया। जलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद, नूरे चश्म नूरे हक, जियाउल हक जियाउल हक, मुस्लिम सिख भाई भाई, हिंदू कौम कहां से आई, ये नारे पुरजोर तरीके से लगाए जा रहे थे। 14 अगस्त 1984 को कश्मीर में पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस पूरे जोर शोर से सेलिब्रेट किया जाता है। 15 अगस्त 1984 को हड़ताल और ब्लैकआउट घोषित कर दिया जाता है और 1984 में फिर होते हैं भयंकर दंगे जिनमें कश्मीरी पंडितों को मारा जाता है। अब्दुल्ला परिवार दो खेमे में बढ़ जाता है, एक खेमा फारूक अब्दुल्ला और उसकी माँ का और दूसरा खेमा उसके छोटे भाई बहन और बहनों का। 1984 में कांग्रेस फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त कर देती है, पर उसके बहनोई गुलाम शाह को समर्थन देकर उसको सीएम बना देती है। परंतु इससे घाटी में हालात सुधरते नहीं है बल्कि और बिगड़ जाते हैं। 1986 में एक बार फिर से दंगे होते हैं और फिर से जो कश्मीरी हिंदू होते हैं उनको टारगेट किया जाता है। अब 1986 में फारूक और राजीव गांधी के बीच में करार होता है और उनके टर्म फिर से सही हो जाते हैं, तो गुलाम शाह को हटाकर फारूक अब्दुल्ला को वापस सीएम बना दिया जाता है वहां पर। परंतु जब तक एक नया फ्रंट कश्मीर में बन चुका था जिसका नाम था मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, और ये बहुत कट्टरवादी थे, पाकिस्तान परस्त थे, और इन्होंने 1987 में होने वाले चुनावों को लड़ने का निर्णय ले लिया। यासीन मलिक ने इन्हें प्रमोट किया, परंतु 1987 के चुनाव रिग्ड कर दिए जाते हैं और फारूक अब्दुल्ला जीत जाता है, जिससे घाटी में आतंकवाद और ज्यादा बढ़ जाता है। इसी बीच पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन तुपक शुरू किया जिसमें जियाउल हक ने कश्मीर के अलगाववादियों को अत्याधुनिक हथियार, पैसा और अन्य सपोर्ट भिजवाना प्रारंभ किया। कश्मीर में हालत बहुत बिगड़ गए। 1988-89 में 11 महीनों के भीतर भीतर 351 बम धमाके हुए, 1600 हिंसक घटनाएं हुई। वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने 2 दिसंबर 1989 को और मात्र 6 दिन के भीतर भीतर होम मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सैयद की बेटी रुबैया को किडनैप कर लिया गया और बदले में 5 भयंकर आतंकवादियों को छुड़वा लिया गया। उन 5 आतंकवादियों ने बाद में
कांधार को भी अंजाम दिया और कश्मीर में आतंकवाद को अपने चरम पर पहुंचा दिया। 1 जनवरी 1990 से 19 जनवरी 1990 तक 319 हिंसक घटनाएं हुई थी, 21 सशस्त्र हमले हुए थे, 112 जगह आगजनी हुई थी, 114 बम धमाके हुए थे, 72 भीड़ द्वारा की गई हिंसाएं हुई थी। 11 महीनों में 351 बम धमाके हुए, 1600 हिंसक घटनाएं हुई। 1 जनवरी 1990 से 19 जनवरी 1990 के बीच 319 हिंसक घटनाएं हो चुकी थी, 21 सशस्त्र हमले हुए थे, 114 बम धमाके हुए थे, 112 आगजनी की घटनाएं हुई, भीड़ की तरफ से हिंसा की 72 घटनाएं हुई। परंतु मीडिया, कांग्रेस और प्रोपेगेंडिस्ट की माने तो जगमोहन, जिसे 18 जनवरी 1990 को राज्यपाल नियुक्त किया गया था, 19 जनवरी 1990 को जो जम्मू पहुंचा था, 20 जनवरी 1990 को जिसने कश्मीर में पहुंचने का प्रयास किया था परंतु खराब मौसम के कारण वो कश्मीर पहुंच नहीं पाए थे, और 21 जनवरी को उस बंदे ने यानी जगमोहन ने कश्मीर पहुंचकर पंडितों को घाटी से भगा दिया। क्या ये हास्यास्पद नहीं? तो ये थी इस सप्ताह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। आशान्वित हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगले बुधवार को शाम 6 बजे फिर से पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लाया जाएगा एक नए टॉपिक के ऊपर। आशा रहेगी कि आप उसे मिस नहीं करेंगे। आप हमें हमारी डॉक्यूमेंट्रीज जो आने वाली हैं, 10 डॉक्यूमेंट्रीज का ऐलान है जिसमें से 8 के टॉपिक्स डिसाइड हो चुके हैं, 2 टॉपिक्स डिसाइड करने हैं, उसके लिए क्राउड फंडिंग की जा रही है और आप इस यज्ञ में आहुति डालने का यानी कि हमें सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे। जो सपोर्ट करना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाइए और हमें सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट वांछनीय है। हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर लीजिए। आप देख रहे थे आज की ताला खबर। जय हिंद, जय भारत।